हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नुमेरिकल्स करेंगे लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर। तो पहला नुमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे नुमेरिकल अपर्चर हो गया, वी नंबर हो गया, तो इनसे रिलेट करते हुए हम कुछ नुमेरिकल्स आज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकल फाइबर हैज अ नुमेरिकल अपर्चर ऑफ 0.20 एंड अ क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.59। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक ऑप्टिकल फाइबर दे रखा है जिसका न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब NA की वैल्यू हमको दे रखी है, दैट इज 0.20। ठीक है, और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द फाइबर फॉर द फाइबर इन वॉटर, काहे के लिए निकालना है, वॉटर में, विच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33। तो हमें क्लैडिंग मतलब N2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितना, 1.59। ठीक है, आप न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला हमको क्या निकालना है, एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू निकालनी है जब हमारा ऑप्टिकल फाइबर कायम है पानी में है और पानी की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितनी दे रखी है, 1.33 दे रखी है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है NA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर मतलब न्यूमेरिकल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर माइनस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ क्लैडिंग डिवाइडेड बाय N0। अब पहला मीडियम हमारे पास क्या है, एयर है, तो एयर के लिए N0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इससे हम न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू हमको मालूम है, न्यूमेरिकल अपर्चर कितना दे रखा है 0.20 इज इक्वल टू N0 हो गया 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस 1.59 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहां पर आप स्क्वायर हटा लें तो ये कितना हो जाएगा, 0.20 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस 1.59 का स्क्वायर। तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, N1 की निकालनी है हमने न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए, तो N1 के लिए अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास N1 का जो वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लिख लें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये चीज मैं यहाँ ले जा रही हूँ, तो कितना हो जाएगा 0.20 का होल स्क्वायर माइनस की जगह ये आपका हो जाएगा प्लस, अब क्योंकि ये उधर जा रहा है तो प्लस हो गया, दैट इज 1.59 का होल स्क्वायर, और ये क्योंकि स्क्वायर था तो अब मैं इसके अंदर अंडर रूट लगा लेगा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरी, 1.6025 वैल्यू आ गई आपकी N1 की। अब मेरे पास क्या क्या कहा उसने, ये मेरे पास कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ गया, ये क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.59 दे रखा था न्यूमेरिकल अपर्चर। अब मुझे क्वेश्चन में ये कहा है उसने कि आपको क्या निकालना है, एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है, फिर किसके लिए, फॉर अ फाइबर इन वॉटर, पानी के अंदर जब है तब उसके लिए निकालेंगे अगर हम वैल्यू को, तो यहाँ पर तो अभी हमने क्या करा, N1 की वैल्यू निकाली, मतलब हमने कोर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाली। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइबर कायम है वाटर में है और जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमको कितना दे रखा है, 1.33 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे उसके लिए, तो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, दैट इज N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो अभी हमको क्या निकालना था, एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है, तो N1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1.6025 का होल स्क्वायर माइनस 1.59 का होल स्क्वायर अंडर रूट में डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास, N0 कितना, 1.33। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू जो आती है वो 0.15 आएगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा है एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर या अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N0। तो मैं इसको थीटा कह रही हूँ, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, तो साइन इनवर्स किसका, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0.15। अब हम इसको सॉल्व कर लें अगर, तो हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 8.6 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया, जो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि एक्सेप्टेंस एंगल कितना होगा जबकि फाइबर वाटर के अंदर है, तो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू होगी 8.6 डिग्री। अब हम आगे इसी तरह से कुछ दूसरे क्वेश्चंस करेंगे।